शायद उनके प्राण ही निकल जाते अगर केकई वहां पे ना होती। केकई ने बड़ी चतुरता दिखाई और किसी तरह से उनके रथ को युद्ध स्थल से बहुत दूर कहीं ले गई और महाराजा दशरथ के प्राण बच सके। बाद में जब महाराजा दशरथ को इसके बारे में पता चला कि किस तरह से केकई की वजह से उनके प्राण बचे हैं, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने केकई को ये दो वरदान दिए कि तुमको जो मांगना है मुझसे मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। केकई ने दशरथ की किसी बात को नहीं माना, अपनी बात पर वो अड़ी रही। अंत में दशरथ को स्वीकारना पड़ा, हताश हो गए वो। उन्होंने कहा ठीक है। केकई ने फिर से उनकी तरफ क्रोधित होकर के देखा, कहा अभी नहीं, आपने मुझे दो वरदान दिए थे, ये तो सिर्फ एक हुआ, मुझे एक वरदान और चाहिए, आपसे एक वचन और चाहिए। महाराजा दशरथ ने सोचा होगा कि इससे बुरा केकई अब और क्या ही मांग सकती है। मंथरा की कुसंगति में पड़ के केकई की बुद्धि पलट गई, केकई को उसकी बातें समझ में आना शुरू हो गई। अब उसने मंथरा से कहा, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं तो अपने रास्ते से भटक गई थी, अब तू ही बता कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, इतनी बड़ी समस्या जो आ गई है, इससे कैसे बाहर निकलूं मैं। मंथरा ने उसको याद दिलाया कि बहुत पहले की बात है, तुम्ही ने मुझे बताया था कि महाराजा दशरथ ने तुमसे प्रसन्न होकर के तुमको दो वरदान दिए थे, ये समय आ गया है उन दो वरदानों को मांगने का। यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व काल में जाकर के थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि ये दो वरदान कौन से थे और किन परिस्थितियों में महाराजा दशरथ ने केकई को ये दिए थे। बहुत पुराने समय की बात है। दंडक वन के दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ एक राज्य था, एक नगर था, जिसका नाम था वैजयंत। इस नगर में शंभर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली असुर वास करता था। बड़ा ही दुष्ट था ये असुर, लोगों को प्रताड़ित करता था, न सिर्फ लोगों को, देवों को भी बहुत प्रताड़ित करता था। इंद्र से एक बार इस शंबर का बड़ा भयानक युद्ध हुआ, इंद्र की सेना उससे हारने लगी। इंद्र ने तब जाकर के पृथ्वी लोक के एक बड़े ही शक्तिशाली राजा थे, उनका नाम था दशरथ, उनसे इंद्र ने सहायता मांगी इस युद्ध में शंबर के खिलाफ। दशरथ ने इंद्र को सहायता प्रदान करने की नीयत से अपनी सेना के साथ जाकर के शंबर से युद्ध किया। दशरथ जब इंद्र की तरफ से शंबर से लड़ने के लिए गए इस युद्ध में, अपने साथ वो अपनी प्रिय रानी केकई को ही लेके गए थे। केकई को सिर्फ इसलिए लेकर नहीं गए थे क्योंकि केकई उनकी प्रिय रानी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि केकई युद्ध कला में बहुत ही निपुण थी। युद्ध कला में भी सारथ्य की कला में वो बहुत निपुण थी, उनको रथ हाँकना बहुत अच्छे से आता था और केकई ही इस युद्ध में दशरथ की सारथी बनी थी, उनके रथ को वो ही हाँक रही थी। शंबर से युद्ध करते करते दशरथ घायल हो गए। कितने भी पराक्रमी थे दशरथ, परंतु शंबर की मायावी चालों के आगे उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई, बुरी तरह से घायल हो गए, लगभग मरणासन स्थिति में अपने रथ पर गिर गए। शायद उनके प्राण ही निकल जाते अगर केकई वहां पे ना होती। केकई ने बड़ी चतुरता दिखाई और किसी तरह से उनके रथ को युद्ध स्थल से बहुत दूर कहीं ले गई और महाराजा दशरथ के प्राण बच सके। बाद में जब महाराजा दशरथ को इसके बारे में पता चला कि किस तरह से केकई की वजह से उनके प्राण बचे हैं, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने केकई को ये दो वरदान दिए कि तुमको जो मांगना है मुझसे मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। केकई ने हाथ जोड़ करके महाराजा के दोनों वरदान स्वीकार करे, लेकिन साथ में उनसे ये भी कहा कि अभी तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूं, आने वाले समय में जब भी मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं आपसे अवश्य आपके इन दो वरदानों के बदले में कुछ मांगूं। वापस चलते हैं अयोध्या। मंथरा ने केकई को इन्हीं दो वरदानों के बारे में याद दिलाया। केकई ने बोला, हाँ ये बात सही है, महाराज ने मुझे ये दो वचन ज़रूर दिए थे, अब तू बता मैं उन दोनों वरदानों के बदले में महाराज से ऐसा क्या मांगूं कि मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए। मंथरा ने कहा कि पहला वरदान जो महाराज दशरथ ने दिया था, उसके बदले में तुम ये मांगो कि अब राज्याभिषेक राम का नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर राज्याभिषेक होगा भरत का। महाराज की मजबूरी है, उनकी बाध्यता है, उनको ये मानना पड़ेगा, भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, वो ही आगे जा करके राज्य के राजा बनेंगे, राम नहीं बनेंगे।
केकई को ये बात तुरंत समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं महाराज से यही मांगूंगी, दूसरा वरदान मुझे क्या मांगना चाहिए। मंत्रा ने कहा दूसरे वरदान में आप ये मांगो महाराज से कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में वास करने के लिए भेज दें। इन 14 वर्षों में राम अयोध्या से, नगर से, परिवार से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखेंगे, बल्कि सन्यासियों का वेश धारण करके, जिस प्रकार साधु रहते हैं वल्कल धारण करके, उस तरह से वन में वास करेंगे, 14 वर्षों के बाद वापस आएंगे अयोध्या। केकई ने कहा तेरा पहला वरदान जो था वो तो मुझे समझ में आता है कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक, परंतु ये दूसरा वरदान जो है 14 वर्ष का राम को वनवास, ये किस लिए? मंथरा ने उसको समझाया, बड़ी कुटिल थी वो, कि राम का जाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि राम प्रजा में बड़े लोकप्रिय हैं, प्रजावासी उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, लक्ष्मण राम के अनन्य भक्त हैं, शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं। कल को ऐसा ना हो कि जब महाराज दशरथ राम के स्थान पर भरत को उत्तराधिकारी बना दें तो राम विद्रोह कर दें, राम का साथ लक्ष्मण देंगे, भरत पर आक्रमण कर देंगे, प्रजावासी भी राम का ही साथ देंगे, एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, तब भरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज़ को संभाल पाना। हो सकता है राम भरत पर आक्रमण करके उसको बंदी बना लें या उसकी हत्या ही कर दें। लेकिन यदि राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं तो भरत के राह में कोई भी रोड़ा नहीं आएगा, उनका विरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। मंथरा को शायद इस बात का अंदेशा था कि यदि राम जाते हैं वन को तो लक्ष्मण भी उनके साथ चले ही जाएंगे, लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहेंगे। राम और लक्ष्मण के जाने के बाद भरत की राह निष्कंटक हो जाएगी, इसलिए उसने ये दूसरा वरदान केकई को मांगने के लिए सुझाव दिया। केकई को ये बात पूर्णतः समझ में आ गई, उसने कहा मैं ऐसा ही करूँ। इसके बाद उसने अपना त्रिया चरित्र दिखाना आरंभ करा, अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, मैले कुचैले कपड़े पहन लिए, कुरूप वेश धारण कर लिया और चली गई कोप भवन में। कोप भवन उस समय की एक बड़ी प्रचलित व्यवस्था थी, जब भी कोई किसी विशेष शोक से ग्रस्त हो जाता था या उस किसी व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे तो उसको और लोगों से थोड़ा दूर एक जगह थी जिसका नाम दिया गया था कोप भवन, वहाँ भेज दिया जाता था। ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके कि उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका कोई भी दुष्प्रभाव और लोगों पे ना पड़े। केकई नाराज होकर के, क्रोधित होकर के कोप भवन में चली गई। इधर महाराज दशरथ केकई के महल में पधारे उसको ये शुभ समाचार देने के लिए। हर्ष उनके मन में समाता ना था, इतने प्रसन्न थे, इतने उत्साहित थे। जब उनको पता चला कि केकई अपने महल में नहीं है बल्कि कोप भवन में है, उनका दिल एकदम से बैठ गया, चिंताग्रस्त हो गए। ऐसा क्या हो गया कि केकई को कोप भवन में जाने की आवश्यकता पड़ी? तुरंत वो कोप भवन पहुंचे, केकई के पास गए। केकई ने उनकी तरफ मुड़ कर के देखा भी नहीं, बार बार पूछने पर भी कुछ बोली नहीं। दशरथ ने उनसे पूछा कि तुम मुझे बताओ तो किसने तुम्हारा अप्रिय किया है, किसने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं इस समस्त पृथ्वी का स्वामी हूं, तुरंत उसको दंड दूंगा, तुम्हारा बुरा करने वाला चैन से नहीं रह सकता, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ। महाराज के बहुत समझाने पर केकई ने तिरस्कार भरी दृष्टि से एक बार उनकी तरफ देखा और कहा आप सच कह रहे हैं, है एक व्यक्ति, उसने मेरा बहुत अप्रिय किया है, बहुत बुरा किया है, मेरा बहुत दिल दुखाया है। महाराज ने पूछा बताओ मुझे कौन है वो, अभी दंड देता हूं उसको। केकई ने कहा वो व्यक्ति आप हैं। मैंने क्या किया है? आपने ही किया है, आपने एक षड्यंत्र रच करके राम का राज्याभिषेक, उनको अयोध्या का राजा बनाना, इस बात की घोषणा करी है, ये बहुत बड़ा अन्याय है मेरे प्रति और मेरे पुत्र भरत के प्रति,
महाराजा दशरथ को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि केकई राम के राज्याभिषेक की खबर को इस प्रकार से लेंगी, क्योंकि वो तो सबकी भांति यही समझते थे कि केकई भी बहुत ही प्रसन्न होने वाली हैं, राम से बड़ा प्रेम करती हैं। केकई से पूछा उन्होंने, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए फिर, तुमको इस तरह मैं नहीं देख सकता, घोषणा तो मैंने कर दी है। केकई ने महाराजा दशरथ को उनके उन दो वचनों की याद दिलाई। महाराजा दशरथ ने कहा, हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था बाद में कुछ होगा तो मांग लूंगी। केकई ने कहा, अब समय आ गया है उन दो वरदानों को मांगने का। पहला वचन जो मैं आपसे चाहती हूं वो ये है कि अब राम के स्थान पर राज्याभिषेक हो मेरे पुत्र भरत का। राजा दशरथ अवाक रह गए कि ये कैसे हो सकता है, मैं घोषणा कर चुका हूं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, राम ने अनुष्ठान आरंभ कर दिया है, सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, और अब आखिरी समय पे, इस आखिरी मौके पे मैं कैसे इस अपने निर्णय को बदल दूं, क्या कह के बदलूंगा मैं। व्याकुल हो गए महाराज दशरथ, कुछ और मांग लो, जो तुमको मन में आए मांग लो, ये लेकिन होने दो, राम बड़े योग्य हैं, बहुत प्रेम करते हैं भरत, उनके प्राणों से प्रिय हैं, दोनों भाई मिलकर के ही इस राज्य पे शासन करेंगे, तुम सपने में भी मत सोचो कि राम भरत का कुछ बुरा कर सकते हैं या तुम्हारा कुछ बुरा कर सकते हैं, तुम्हें तो पता है। केकई ने दशरथ की किसी बात को नहीं माना, अपनी बात पर वो अड़ी रही, अंत में दशरथ को स्वीकारना पड़ा, हताश हो गए वो, उन्होंने कहा ठीक है, ये बहुत बुरा कृत्य होगा जो मेरे हाथों से होगा, लेकिन अब मैंने वचन दिया है, मैं उस कुल से हूँ जहाँ पे वचन की कीमत जीवन से, प्राणों से अधिक होती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, दिल पर पत्थर रख करके, किसी भी बोझ के तले दब करके मैं ये अपने निर्णय को पलट दूंगा, बदल दूंगा, मुझे पता है राम पितृ भक्त हैं, उनकी मर्यादा सर्वोपरि है, मेरी बात को टालेंगे नहीं, प्रसन्नतापूर्वक इस बात को स्वीकार कर लेंगे, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, भरत का राज्याभिषेक होगा जैसे ही वो वापस आएंगे, अब अपने इस रौद्र रूप को त्याग दो, गुस्सा छोड़ दो, कोप भवन से बाहर आकर के महल में चलो, सब ठीक हो जाएगा। केकई ने फिर से उनकी तरफ क्रोधित होकर के देखा, कहा अभी नहीं, आपने मुझे दो वरदान दिए थे, ये तो सिर्फ एक हुआ, मुझे एक वरदान और चाहिए, आपसे एक वचन और चाहिए। महाराजा दशरथ ने सोचा होगा कि इससे बुरा केकई अब और क्या ही मांग सकती है, ऐसा सोच करके उन्होंने केकई से कहा, ठीक है बोलो अब और क्या चाहिए तुमको, इससे बुरा और क्या ही मांग सकती हो। केकई ने दूसरा वचन महाराज से मांगा, राम अयोध्या छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन में वास करेंगे, ऋषि मुनियों की तरह, साधु संन्यासियों की तरह वलकल धारण करेंगे, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखेंगे अयोध्या से, आपसे, परिवार में किसी से भी, 14 वर्ष के बाद ही वो वापस आ सकते हैं। महाराज दशरथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, उनके ऊपर तो जैसे कोई भीषण वज्रपात हो गया हो, पृथ्वी पर वहीं गिर पड़े वो, ये क्या कह रही हो तुम, तुमने कहा कि राम का राज्याभिषेक नहीं होना है, मैंने मान लिया, भरत का होना है, मैंने मान लिया, राम का वनवास, क्या औचित्य है इसका, इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुम जानती हो कि राम में मेरे प्राण बसते हैं, तुम राम का वनवास नहीं मेरे प्राण मांग रही हो, राम यदि जाएंगे तो उनके साथ मेरे प्राण भी चले जाएंगे, अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर मिटाने का तुम मुझसे वचन मांग रही हो, ये मांग करके तरह तरह से दशरथ ने केकई को समझाने का प्रयास करा, परंतु केकई तो निष्ठुरता की एक ऐसी सीमा पार कर चुकी थी कि उसको कोई बात सुनाई भी नहीं दे रही थी, अपनी बात पर वो अडिग रही, वनवास चाहिए राम का। महाराज दशरथ की दशा बहुत दयनीय हो गई, विलाप करने लगे वो,
मूर्छित से हो गए वो। केकई ने उनको याद दिलाया कि अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, आपने मुझे वचन दिया है। महाराज दशरथ ने कहा, हाँ ये सच है, तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, राम के लिए वनवास मत मांगो। केकई अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हिली, उसने कहा, नहीं, राम का तो वनवास होना ही है। महाराजा दशरथ वहीं पृथ्वी पर मूर्छित हो गए, उनसे अब कुछ भी कहा नहीं जा रहा था, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सोचना समझना सब बंद हो चुका था। केकई ने सुमंत्र को बुलवाया और उनसे कहा कि आप जाकर के राम को बुला करके लाइए, महाराज उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने केकई की आज्ञा का पालन करा, तुरंत राम के महल में गए, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करा कि आपको महाराज दशरथ ने केकई के महल में तुरंत बुलाया है, आप मेरे साथ कृपया चलें। पिता का आदेश जान करके राम जैसे थे, जिस हालत में थे, तुरंत सुमंत्र जी के साथ गए, केकई के महल में पहुंचे। कक्ष में जाकर के जब उन्होंने देखा कि उनके पिता की दशा ये है, राम बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। राम ने अपने पिता को प्रणाम करा, दशरथ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आत्मग्लानी से शायद भरे हुए थे वो। किसी प्रकार बार बार बोलने पर बड़ी मुश्किल से एक बार राम की ओर मुंह करके उन्होंने देखा और उनके मुंह से बस इतना निकला, राम। ये कह के उन्होंने फिर से अपना मुंह फेर लिया, उनकी आंखों में आंसू थे। राम अपने पिता को इस हालत में नहीं देख सकते थे, उनको कारण भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच करके हर्षित हो रहे थे वहां आने के पहले कि शायद पिताजी ने, केकई माँ ने उनको इसलिए बुलाया है कि कल राज्य अभिषेक संबंधित किसी बात पर उनको चर्चा करनी है, पर यहां तो बात ही कुछ और थी। पता नहीं क्या अमंगल ऐसा हो गया है। उन्होंने केकई से विनम्रता पूर्वक पूछा, माँ पिताजी की ये हालत क्यों है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। क्रोधित भी होते थे, कुपित भी होते थे, तो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे, मुझे गले से लगाते थे, आज मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या। केकई ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बड़ी निष्ठुरता से उसने जवाब दिया। इन्होंने बहुत पहले मुझसे प्रसन्न होकर के, मुझ पर प्रसन्न होकर के दो वरदान दिए थे, आज मैंने वो दोनों मांग लिए और ये दशा कर ली है इन्होंने अपनी। तुम ही बताओ कि क्या किसी क्षत्रिय राजा को, रघुकुल के राजा को ऐसा करना शोभा देता है। हमने कहा, बात तो आपकी उचित है, यदि महाराज ने आपको वरदान दिए हैं, वचन दिए हैं, तो उनको पूरा उनको खुशी खुशी करना चाहिए, उसमें उनको दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसी दशा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या मांगा था आपने उनसे? केकई ने उन राम को बताया कि पहला वरदान तो मैंने सिर्फ ये मांगा था महाराज से कि तुम्हारे स्थान पर राज्याभिषेक अब होगा मेरे पुत्र भरत का। राम बड़े प्रसन्न हो गए, उनको लेश मात्र का भी कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे स्थान पर अब मेरे प्राणों से भी प्रिय भाई भरत का राज्याभिषेक होना है, वो मेरे स्थान पर अब युवराज बनेंगे। इस बात को लेकर के तो महाराज दुखी नहीं हो सकते, ये तो बड़ी खुशी का अवसर है। तो मैं तो नहीं मानता कि महाराज की ये दशा इस वजह से हुई होगी, आप मुझे बताइए दूसरा वचन क्या था जो महाराज से आपने मांगा। केकई ने कहा, दूसरा भी कोई बहुत बड़ा वचन नहीं था, मैंने मात्र ये मांगा था कि तुम यानी कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास करोगे, वन में जाके रहोगे ऋषि मुनियों की तरह, साधु संन्यासियों की तरह। तो सोचो ये भी कोई बड़ी बात थी क्या। राम ने इस बात को भी बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करा, उन्होंने कहा, हाँ ठीक ही तो कह रही हैं, ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी मेरा ही कुछ भला होगा, आपने यदि मेरे लिए ये मांगा है तो मेरा ही कुछ भला सोच करके मांगा होगा। इस बात को लेकर के भी महाराज कि ये दशा नहीं होनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अपने पिता को संबोधित करा उन्होंने, उनसे कहा, पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इसमें क्या बुरा है, खुशी खुशी स्वीकार करिए ना। दशरथ राम की तरफ मुड़ के देख भी नहीं पा रहे थे। केकई ने राम से कहा, अब तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहें या ना कहें, मैं तुमको बता रही हूँ ना कि ये बात है, अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है कि अपने पिता के वचन को तुम पूरा करो, करोगे या नहीं करोगे। राम ने कहा, ये कैसी बात कर रही हैं आप मां,
मैं भी तो उसी कुल से हूं, रघुकुल से। ये मेरे पिता हैं, इनके लिए तो मैं आग में कूदने को तैयार हूं, अपने प्राणों का त्याग खुशी खुशी कर दूं, ये तो सिर्फ अयोध्या का सिंहासन है। सहर्ष करूंगा मैं अपने पिता के वचन को पूरा। आप तो बस पिताजी का ख्याल रखिए, इनको किसी भी तरह से इस दशा से बाहर निकाल के लाइए, मैं इनको ऐसे नहीं देख सकता। दशरथ ने अपने मुंह से एक बार भी राम से नहीं कहा है कि तुम वन को जाओ या तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा। कैकेयी ने ही सारी बातें कही हैं। दशरथ तो शायद अपने मुंह से कह ही नहीं सकते थे वो बात, इतना इतना प्रेम करते थे। उन्होंने यदि कहा था कि राम में उनके प्राण बसते हैं तो वो असत्य नहीं था। आगे जाके हमने देखा भी कि राम जब वन को गए तो उनके प्राण भी साथ साथ चले ही गए कुछ समय पश्चात। दशरथ का, कौशल्या का, सुमित्रा का क्या हाल होता है, गुरुवरों का क्या हाल होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले प्रसंग में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।